तुमको देखा तो ये ख्याल आया। लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करने वाले जगजीत सिंह ने पूरी दुनिया में संगीत की लौ चलाई। उनके गीतों और गजलों ने सबके दिलों पर ऐसा जादू बिखेरा कि उन्हें गजल सम्राट कहा जाने लगा। 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के गंगानगर में जगजीत सिंह का जन्म हुआ। उनके पिता सरदार अमर सिंह धमानी भारत सरकार के कर्मचारी थे। दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवान। जगजीत सिंह के बचपन का नाम जीत था। उनकी पढ़ाई गंगानगर के खालसा स्कूल में हुई थी और बाद में पढ़ने के लिए जालंधर आ गए। डीएवी कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री ली और फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जगजीत सिंह को संगीत विरासत में अपने पिता से मिली। जगजीत सिंह 1965 में मायानगरी मुंबई आ गए। जगजीत सिंह जब भी गाते थे वो सुनने वालों के हो जाते थे। यूं तो उनका गाया हुआ कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे कम पसंद किया गया हो, लेकिन उनकी कुछ फिल्मी गजलें आज भी उनके ताज में कोहिनूर की तरह दमकते हैं। अपनी गजलों में इश्क की कहानी सुनाने वाले जगजीत सिंह का दिल भी मोहब्बत में कई बार धड़का है। दुनिया जानती है कि जगजीत सिंह ने मुंबई आने के बाद चित्रा सिंह से शादी कर ली थी। कॉलेज के दिनों में जगजीत सिंह एक लड़की के प्यार में इस कदर दीवाने हो गए थे कि हर रोज उनकी साइकिल उस लड़की के घर के सामने जाकर पंचर हो जाया करती थी। इनका पहला एल्बम 1976 में द अनफॉरगेटेबल्स हिट रहा। जगजीत पहले गजलकार थे जिन्होंने चित्रा जी के साथ लंदन में पहली बार डिजिटल रिकॉर्डिंग करते हुए बियॉन्ड टाइम एल्बम जारी किया। फिल्मों के साथ जगजीत सिंह ने कई एल्बम भी पेश किए। जगजीत सिंह के गाए फिल्मी गीत काफी पसंद किए गए। 2014 में भारत सरकार ने जगजीत सिंह के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था। अपने 5 दशक लंबे करियर में जगजीत सिंह ने करीब 80 एल्बम में गाने गाए हैं। उनके काम को देखते हुए इस विधा को जीवन देने वाला समझा जाता है। पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती, सिंधी और नेपाली भाषाओं में गजल गाने वाले जगजीत सिंह को 2003 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा गया। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह एक साथ कई सारे कॉन्सर्ट किया करते थे और अलग अलग गजल एल्बम का हिस्सा भी बने। 23 सितंबर 2011 को ब्रेन हैमरेज होने के चलते जगजीत सिंह को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 17 दिन के बाद 10 अक्टूबर 2011 की सुबह 8 बजे उन्होंने बड़ी ही खामोशी के साथ दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी आवाज हमारे साथ तो होगी पर जगजीत हमारे पास नहीं होंगे।